नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। आप सभी के सामने जो है आरी शेटी एग्ज़ाम 10 मार्च की जो है इम्पोर्टेंट क्लासेस आप सभी के समक्ष हैं, है ना। तो कल के दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है और ये क्लासेस जो हैं आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और हूबहू आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे जो भी हैं। देखिए अब टाइम कम है तो क्वेश्चन को जल्दी पढ़ेंगे और उम्मीद है कि आप हमसे रोज़ाना जुड़े हुए थे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में समझने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस स्टेप से आप पिक्सर टेक्स्ट बॉक्स चार्ट इत्यादि को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो यानी कि बात हो रही है कि आप जो हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, या फिर मैं बात करूँ एमएस वर्ड की ही बात कर लो, है ना, तो वहाँ पर जो है आप पिक्सर हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई बॉक्स है, चार्ट है, इनको सभी को अगर एक्सेल वगैरह में अगर इंसर्ट करवाना है तो आप लोगों को जो है इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करना होता है। यानी ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देन फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आप सभी के समक्ष है कि एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जा सकती है। यानी बात कर रहे हैं पावर पॉइंट की, और पावर पॉइंट के अंदर जो है आप जब भी काम करते हो तो आप कोई ना कोई क्या बनाते हो, पीपीटी बनाते हो, यानी प्रेजेंटेशन बनाने का काम करते हैं। तो प्रेजेंटेशन बनाते वक्त जो है आप सॉरी स्टूडेंट, आप खाली प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं, मौजूदा प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं और डिज़ाइन प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं। तो उपरोक्त सभी आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यानी ऑप्शन डी सभी का करेक्ट है। देन फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस एंड कैलिब्री क्या होती हैं, है ना। इनके अलावा अगर और आपको नाम दे तो एरियल आपको नाम दे सकता है, इनके अलावा जो है आपको सेंचुरी नाम वो दे सकता है। ये दो तीन नाम हैं जो आपको और याद रखना है। ये सारे के सारे फॉन्ट के प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन ए आप सभी का ऐसे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को ज़्यादा समझने की अब इतना हमारे पास में टाइम नहीं है। आपको बस रैपिडली जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको फटाफट से कीजिएगा और आने वाली आज की जितनी भी क्लासेज हैं उन सभी को आप ईमानदारी से देखिएगा। कल के दिन आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। स्टूडेंट फिर आगे बढ़ते हैं, देन फिर आगे बढ़ते हैं कि वर्ड 2010 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनती है, है ना। तो रिबन जो होती हैं आप लोग देखिएगा, आपके सामने बहुत सारे टैब होते हैं, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, है ना, रेफरेंस है, ये सारे के सारे जो हैं इनसे जो हैं ये सारी की सारी जो आपके रिबन के अंदर मौजूद होते हैं और वो सारी की सारी आपकी एक श्रृंखला मिलकर क्या बनाती हैं, आपकी टैब्स जो हैं बहुत सारे टैब्स मिलकर ही आपकी एक रिबन बनाने का काम करते हैं। तो ऑप्शन ए आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देन फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कर दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा ये जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो प्रिंट पूर्व अवलोकन, यानी कि आपको इंग्लिश में जब नाम देगा तो प्रिंट प्रीव्यू नाम देगा। क्या नाम देगा? प्रिंट प्रीव्यू, है ना। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देन फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि बाईं तरफ की जब बात करें तो बैक स्पेस आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन फिर बात करते हैं कि अगर आपसे वो बोलता कि दाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए तो आप लोग डिलीट कहते हैं। अगर एंटर की बात करें तो नया पैराग्राफ यहाँ से डाला जाता है, है ना, नया पैराग्राफ। नए पैराग्राफ की बात करें तो आप एंटर नाम लोगे। स्पेस बार से जो है दो टेक्स्ट के मध्य क्या दी जाती हैं, जगह देने का काम किया जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखोगे ताकि आपको एग्ज़ाम में यहाँ से हेल्प मिल सके। देन फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि दस्तावेज़ में नया पैराग्राफ डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती हैं। तो आप सभी को पता है एंटर होती हैं, अभी मैंने फ़िलहाल में आपको बता दिया है। और एस्केप से जो है आप किसी भी प्रोग्राम से क्या कर सकते हैं, सडनली एग्जिट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी एस्केप का है, लेकिन इस करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए हो जाता है।
नेक्स्ट फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ विषय मे भी आपसे पूछा जाए कल के दिन कि भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानून आपका कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे आईटी एक्ट 2000 होता है, जो कि आपके सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी है ना, सूचना प्रौद्योगिकी। अब देखो इनको जो इंग्लिश में बोलेंगे अपन क्या, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये सारी बातें आप लोग यहाँ से याद रखोगे है ना, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड आपका कौन सा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, और इसका जो है ISO 27001 होता है। अगर आपसे वो पूछ रहे हैं कि ISO का पूरा नाम क्या होता है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो ये भी आप लोग यहाँ से याद रखोगे। आगे फिर बढ़ते हैं कि कंप्यूटर के साथ में संयोजन में कौन सा प्रिंटर जो है टोनर का उपयोग करता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ विषय। और जब टोनर नाम दे या फिर इसके साथ में अगर ब्लैक सूखा पाउडर नाम ले है ना, ब्लैक सूखा पाउडर है ना, तो जब ऐसा नाम लेगा तो आप लोग जो है लेजर प्रिंटर को करोगे है ना। और अगर वो थर्मल देता है तो इसके लिए गर्म तत्व का उपयोग किया जाता है, और इनके अलावा जो है इंकजेट अगर आपको ऑप्शन में देता है ना, तो इंकजेट क्या करता है, इंक का स्प्रे करता है, क्या करता है, इंक का स्प्रे करता है। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ से याद रखोगे। और जो आपके डेसिबल और डॉट मैट्रिक्स है ना, कौन कौन से डेसिबल और डॉट मैट्रिक्स, ये दोनों के दोनों आपके जो है इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनके अलावा DPI का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, DPI एक क्वालिटी होती है प्रिंटर की, और जिसका पूरा नाम डॉट्स पर इंच होता है, और PPM जो होती है स्पीड होती है, जिसका मतलब पेजेस पर मिनट होता है। तो इतनी सी बातें आप लोगों को क्लियर रखनी है, ताकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो है करेक्ट हो जाए। आगे फिर महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी को प्रति सेकंड रिफ्रेश किया जा सकता है, तो डायनेमिक रैम आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। स्टूडेंट देखिएगा, रैम का हो सकता है आपसे पूरा नाम पूछे, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये एक अस्थिर प्रकृति की मेमोरी होती है, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, वॉलेटाइल नेचर की एक मेमोरी होती है। तो दोनों बातें यहाँ से याद रखोगे, और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो डायनेमिक रैम हो जाता है। देन फिर आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण क्या है, तो सर्च इंजन आपका गूगल होता है, इसके अलावा बिंग भी आपका होता है, और बात करते हैं गूगल, याहू और बिंग, ये तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं। तो इन तीनों के नाम याद रखोगे, ताकि अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन करेक्ट हो। आगे फिर बढ़ते हैं कि एक्सेल 2003, 2007, 2010 का एक्सटेंशन नाम क्या होता है। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यानी बेसिकली याद कैसे रखोगे कि 2003 में XLS था, लेकिन 2010 और 2007 में पीछे क्या जुड़ गया, और एक एक्स्ट्रा एक्स जुड़ गया है। बाकी DOC जो है 2003 वर्ड का है, इसके अलावा DOCX जो है आपके MS वर्ड 2007 का है, और .DOCX आपके 2010 MS वर्ड का होता है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखोगे। इसके अलावा जो है .PPTX जो है आपके पावर पॉइंट का होता है, तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, तो उसको सेल कहते हैं, ये आप लोग याद रखोगे। और जिस सेल के अंदर आप लोग काम करते हैं उस सेल को कहते हैं एक्टिव सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्टिव सेल। और वो जो है आपको उसके चारों ओर ब्लैक रंग की क्या दिखती हैं, एक रेखा दिखती है, और जिसके अंदर आप लोग काम करते हैं। ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। देन फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक्सेल में सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है। तो आप लोग याद रखोगे कि जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू नॉर्मल होता है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ विषय कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है, तो ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो कि मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है, जो कि आपका जो है इमेज को जो है एडिटिंग करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। देन फिर बढ़ते हैं कि CD DVD पर जैसे संगीत डेटा फोटो आदि को लिखने की जो प्रोसेस है वह आपकी क्या कहलाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपकी बर्निंग कहलाती है। और CD और DVD का अगर पूरा नाम पूछे तो याद रखोगे CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, और DVD का जो आपका पूरा नाम होता है वो क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क
है ना, और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है, ये दोनों नाम होते हैं, तो आप दोनों नामों को याद रखोगे। देन फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि ईमेल में बीसीसी विकल्प क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सीसी का अगर पूरा नाम पूछे कार्बन कॉपी होता है, अगर बीसीसी का पूछे तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ईमेल का अगर पूरा नाम पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसके अलावा अगर आपसे वो पूछता है कि स्पाम क्या है, तो एक फोल्डर है जिसमें अनचाहे मेल रहते हैं, कौन से अनचाहे मेल रहते हैं, ये सारी बातें याद रखोगे। अगर डिलीट मेल कहाँ पर रहते हैं तो आप लोग याद रखोगे ट्रास के अंदर रहते हैं, और आधे अधूरे आपके कहाँ पर रहते हैं ड्राफ्ट के अंदर रहते हैं। ईमेल लिखते वक्त जो है बीच में स्पेस नहीं होता, सारे लेटर स्मॉल होते हैं, एक आध क्या होता है एट द रेट का सिंबल होता है, और आपका जो है डोमेन कोड होता है, यानी कि gmail.com करके आपका होता है। ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है ताकि एग्ज़ाम में आपका पेपर अच्छा जा सके। महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ विषय कि निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति को और सिस्टम सेटिंग को पिछली बार के समय वापस लाने के लिए उपयोग में ली जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर आपका सिस्टम रिस्टोर पॉइंट होता है ना, जो कि आपके सिस्टम की खराबी होने की स्थिति में आपके सिस्टम को वापस लाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। देन फिर बढ़ते हैं कि एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है स्टूडेंट, तो आउटपुट जो डिवाइस होती है इनमें से क्या होती है, प्लॉटर आपकी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हाई क्वालिटी के वेक्टर्स का उत्पादन करती हैं, क्या करती हैं, हाई क्वालिटी के वेक्टर का उत्पादन करने का काम करती हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देन बढ़ते हैं कि निम्न में से वेब ब्राउज़र का उदाहरण क्या है। देखिए वेब ब्राउज़र जो आपके होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, क्या होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इसमें से आपका मोज़िला फायरफॉक्स भी है, गूगल क्रोम भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि रुपए कार्ड क्या है। तो ये एक डेबिट कार्ड होता है और NPCI के द्वारा जारी भी इसको किया जाता है, और ATM और POS का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, पॉइंट ऑफ सेल होता है, क्या होता है पॉइंट ऑफ सेल, तो इसके द्वारा ये जारी भी है और इस पे स्वीकृत भी होता है, तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, आपसे बोला है कि कौन सा मोबाइल वॉलेट का एग्जांपल नहीं है, तो SBI बड़ी आपका होता है जो किसके द्वारा SBI बैंक का है, है ना, SBI बैंक का ये मोबाइल वॉलेट है, और भीम जो है भीम का पूरा नाम याद रखोगे भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है, क्या होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी है ना, और पेटीएम भी होता है, क्रेडिट कार्ड आपका नहीं होता, तो ऑप्शन डी आप सभी का इनसे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे फिर बढ़ते हैं कि UPI में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। अब UPI का पूरा नाम आपसे पूछा जाएगा, तो पूरा नाम होता है यूनिफाइड, है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्या होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो ये बातें आप लोग याद रखोगे इंटरफेस, है ना, और जो है UPI में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग पैसों को भेजने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी आप सभी का इनसे करेक्ट हो जाता है। देन फिर बढ़ते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान का एग्जांपल कौन सा है, तो आपका राजी वॉल्ट हो जाता है, जिसको डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में, डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर के रूप में जाना जाता है, तो ये आप लोग याद रखोगे। आगे फिर हैं जो कि राज ई ज्ञान, ये आपका एक शैक्षिक पोर्टल होता है, क्या होता है शैक्षिक पोर्टल होता है, RPSC आपको पता ही है, और राज ई साइन कस्टमाइज QR और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली होता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि जॉब सर्च वेबसाइट कौन सी है, है ना, तो naukri.com बिल्कुल करेक्ट है। देन फिर है कि किस नेटवर्किंग साइट को माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है, तो भाई ट्विटर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ऐसा क्यों, क्योंकि ट्विटर के अंदर आप केवल 140 कैरेक्टर का ब्लॉग ही लिख सकते हैं, है ना, और इसीलिए इसको माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है, है ना, तो फ्लिपकार्ट भी होती है, स्नैपडील भी होती है, जबोंग भी होती है, ट्विटर आपकी किसी भी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं होती, सॉरी ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं होती, ये तो कौन सी होती है, ये सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये कौन सी साइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट होती हैं, तो ये बातें आप यहाँ से याद रखोगे। देन फिर हैं कि निम्न में से किसके द्वारा नागरिक जो है राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है, टोल फ्री नंबर 181 है, राजस्थान संपर्क का पोर्टल भी है,
और मोबाइल एप्लीकेशन भी हैं, उपरोक्त तो सभी आपका करेक्ट होगा। आगे हैं कि विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग कब किया जाता है, तो एप्लीकेशन को लॉन्च करना, डिवाइस की सेटिंग करना, सिस्टम को बंद करना, यानी कि उपरोक्त सभी। आगे हैं कि विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करके कौन से वेब ब्राउज़र को लाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज सभी को पता है अभी के लिए तो, है ना। विंडोज़ स्टोर आपका क्या होता है, जहाँ से आप विंडोज़ 10 में वीडियो गेम्स इत्यादि को आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्टाना आपका वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है। आगे हैं कि विंडोज़ 10 में मैथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो मैथ इनपुट पैनल, है ना। स्निपिंग टूल का उपयोग स्क्रीनशॉट के लिए होता है, किसके लिए, स्क्रीनशॉट, है ना, स्क्रीनशॉट के लिए होता है। आगे हैं कि निम्न में से कौन सा फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को टेम्परेरी रूप से स्टोर करता है, तो रिसाइकल बिन, है ना। और रिसाइकल बिन को खाली करने के लिए एम्प्टी रिसाइकल बिन का उपयोग किया जाता है, किसका, एम्प्टी रिसाइकल का, है ना। और आगे फिर बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइल परमानेंट रूप से मिट जाए, है ना, तो शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करते हैं, ये भी याद रखना। आगे हैं कि ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम क्या है, तो ये तो सभी को पता होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल पूछे, अबव पॉवर्टी लाइन, एमएसपी पूछे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर एफपीएस पूछे फेयर प्राइस शॉप, है ना, और ईपीडीएस ही पूछ ले तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आगे हैं कि जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, है ना। तो इजी सा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने खुद ने ही आपको बता दिए। तो ये थे आपके टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन, इनके अलावा आप याद रखोगे अंडू पूछा जा सकता है, कंट्रोल प्लस जेड, है ना। अगर रेडू पूछे, रेडू, तो कंट्रोल प्लस वाई, है ना। अगर फाइंड एंड रिप्लेस पूछे तो कंट्रोल के साथ में एच, हाइपरलिंक अगर पूछे तो कंट्रोल के साथ में के। ये महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको याद रखनी है। इनके अलावा भी जो भी बातें होगी आपको आने वाली क्लासेस में सुनने को मिलेगी। तो स्टूडेंट, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे एक अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, सभी को धन्यवाद एंड तक जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।